हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर एरर इन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने तरह का एरर होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर कैलकुलेट क्यों किया जाता है। तो जैसे आपने लैब में काम किया, तो लैब में आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम किया और वहाँ से कुछ रीडिंग निकाली, तो दो चार बच्चों ने जो रीडिंग निकाली वो आपने नोट कर लिया, फिर दूसरे ग्रुप ने कुछ और अलग रीडिंग निकाली उसने नोट कर लिया। तो अगर आपने देखा होगा तो अक्सर उसमें डिफरेंस आते हैं, किसी बच्चे की कुछ रीडिंग आ रही है, किसी दूसरे बच्चे की कोई और रीडिंग आ रही है। तो ये जो रीडिंग में वेरिएशन है, इसी की वजह से इसमें एरर आता है और उसी को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसी को हमें समझना है। तो अगर बात करें एरर की, तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला एरर होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है आपका रिलेटिव एरर, जो लास्ट वन है आपका वो है परसेंटेज एरर। मुख्य यही आप यही तीन एरर है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो हम स्टार्ट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करके आप इन तीनों तरह के एरर को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए, एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, सपोज करिए आपने लैब में काम किया और आपने रीडिंग निकाली, ये रेजिस्टेंस है और इसकी रीडिंग निकाली आपने 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम, ये चार रीडिंग आ गई आपकी। और हम पता करने जा रहे हैं कि जो हमने रीडिंग निकाली है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है या रिलेटिव एरर कितना है या परसेंटेज एरर कितना है। तो ये डेटा हमारे पास है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम। तो पहला स्टेप ये कहता है, अगर इनके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले स्टेप वन ये बताता है कि आपके पास जो भी रीडिंग आई है उसका एवरेज लीजिए। सबसे पहले हमें एवरेज लेना है इसका। अगर एवरेज की बात करें और इसको हमने एवरेज को मान लिया ए बार से रिप्रेजेंट किया अगर हमने, ए बार इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4, इट बिकम्स 2 4 6 6 12 8 20 over 4 = 5। तो हमारे पास एवरेज आता है इस डेटा का, इस रीडिंग का, वो है 5। अभी हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट नहीं कर पाए, अभी हमने सिर्फ एवरेज निकाला है। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, जो भी डेटा दिया होगा उसका आप सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करेंगे। स्टेप सेकंड की अब बात करते हैं, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये रिजल्ट आया है, अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है 5, कुछ भी आ सकता है क्योंकि रीडिंग अगर चेंज होगी तो ये आपका डेटा चेंज हो जाएगा। हमें स्टेप सेकंड में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो भी आपके पास ये एवरेज आया है इससे इन सभी को डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस होगा 5 - 2 5 - 4 5 - 6 5 - 8, लेकिन इसको मॉड के साथ, इसलिए क्योंकि हम एरर निकाल रहे हैं और एरर कभी भी निगेटिव नहीं होगी, एरर इज ऑलवेज
इज पॉजिटिव, इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, इसको फिक्स करना है ये कॉन्सेप्ट को कि एरर कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो चूंकि वहाँ पे जो आप डिफरेंस ले रहे हैं वो स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो वो आपका डेटा निगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें रखना नहीं, इसलिए हम मॉड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट आएगा आपका 3, 5 माइनस 4, 1, 1, 3। ये वो स्टेप सेकंड आपका। फिर से ध्यान दीजिए, जो भी रीडिंग आएगी उसका एवरेज लेंगे, फिर एवरेज लेने के बाद हम डिफरेंस लेंगे एक एक करके सभी में से। अब स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड में जो भी ये डेटा आपका आया है 3 + 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसका भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्टेप टू का जो डिफरेंस आया है इसका आप जैसे ही एवरेज लेंगे तो यहाँ पे एवरेज होगा 3, 1, 4, 1, 5, 8 / 4 इक्वल्स टू 2। इसको आप लिखेंगे डेल्टा ए बार। तो ये जो डेल्टा ए बार आया है ये आपका आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो आपने स्टार्ट किया स्टेप वन से और जब स्टेप थर्ड पे पहुंचेंगे तो आप पहले तरह का एरर निकाल पाएंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे एब्सोल्यूट एरर है आपका डेल्टा ए बार विच इज वैल्यू इज 2। अब बात करेंगे रिलेटिव एरर कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको स्टेप 4 फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप 4 ये कहता है ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर निकल गया। तो एब्सोल्यूट एरर आप 3 स्टेप में काउंट करेंगे, एवरेज, देन डिफरेंस, देन अगेन एवरेज। तो इस तरीके से आपका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। कोई भी डेटा दिया रहेगा उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो स्टेप थर्ड में आपको वैल्यू आई है उसको आप स्टेप वन को स्टेप थर्ड, ठीक है, जो भी आपका स्टेप थर्ड आया है उससे डिवाइड करना है स्टेप वन को। दैट मींस स्टेप थर्ड डिवाइडेड बाय स्टेप वन। तो स्टेप थर्ड की वैल्यू है आपकी 2 और स्टेप वन की जो वैल्यू है वो है 5, तो ये आ जाएगा 0.4। तो 0.4 जो आया है वो रिलेटिव एरर हो गया। रिलेटिव एरर इट मींस डेल्टा ए, सॉरी ये बार इसको यहां से हटा देते हैं, डेल्टा ए ओवर ए, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर को आप फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। चूंकि ये जो टर्म होता है वो रेशियो के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसलिए इसको आप फ्रैक्शन एरर भी कहते हैं। ये तरीका है फ्रैक्शन एरर या रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करने का कि आपके पास जो भी एब्सोल्यूट एरर है और जो एवरेज है, ये आपका एवरेज था जैसा कि स्टेप वन में देखते हैं और स्टेप थर्ड में डेल्टा ए निकला हुआ है, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो जब आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा तो आप उसके मदद से रिलेटिव एरर काउंट कर सकते हैं। सपोज करिए किसी ने आपको दिया वैल्यू एक्स और कहा रिलेटिव एरर पता करो, तो इसके लिए जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। अगर वाई वैल्यू दी हुई है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई।
अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जब न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे तब हम बात करेंगे। ये डेटा हम कैसे बनाते हैं, अगर कोई डेटा दिया है तो उससे डेटा ही कैसे बनाते हैं, ए कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। तो जैसे ही आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव एरर सपोज करिए डेल्टा के अपॉन ए आ गया, इसको आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आपकी क्वांटिटी आएगी ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। ये तीन तरह के एरर हैं, इनको आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रीडिंग जो भी आपके पास है उसका पहले एवरेज लीजिए, उसको ए बार बोलिए, बी बार बोल सकते हैं, एक्स बार, वाई बार, जो भी आप जैसा सपोज करें। उसके बाद डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेने के बाद फिर थर्ड स्टेप में इसका एवरेज लेंगे, तो जो एवरेज आएगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर को एवरेज के साथ जब रेशियो लेंगे, एब्सोल्यूट एरर को एवरेज के साथ जब रेशियो लेंगे तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इतना लेंथी प्रोसेस आपको नहीं करना है न्यूमेरिकल के टाइम में, वो प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस बताए जाएंगे तो उसमें आपको शॉर्टकट बताया जाएगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको थोड़ा मैंने डिटेल में बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन होगा, लेकिन चूंकि कंपटीशन में आपके पास टाइम कम रहता है तो हम अपने टाइम को सेव करेंगे और शॉर्टकट तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। अब इसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एडिशन ऑफ एरर्स। जो भी एरर आया हुआ है उसका एडिशन कैसे करेंगे,